तो लास्ट क्लास हम लोग ईडीआई डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आपको ये मार्क कराया था कि आप दिमाग में रखें कि तो ये वाला पार्ट है आपका, पहला वाला ऊपर, वो आपका ए को डिनोट कर रहा था ना, तो इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाला जो ऊपर वाला स्टार्ट हो रहा है, ये सब ए का है और ये बी है, ठीक है। एक्चुअल पेपर में थोड़ा डार्क और लाइट है, तो उससे समझ में आ रहा है। अब दिए गए वर्षों में कंपनी ए तथा बी द्वारा अर्जित लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय टू कंपनी ए एंड बी, ये परसेंटेज प्रॉफिट बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दी जा परसेंटेज प्रॉफिट, ये दोनों ही जो हैं वो परसेंटेज प्रॉफिट्स हैं। अगर ये दोनों परसेंटेज प्रॉफिट हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिंपली हम इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि ये परसेंटेज प्रॉफिट हैं, इसलिए ये प्रॉफिट्स नहीं है, परसेंटेज प्रॉफिट्स हैं। परसेंटेज प्रॉफिट जो आप निकालते हैं, कहा जाए या ना कहा जाए, कहा जाए तो अपने तरीके से देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और नहीं कहा जाए तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर आपको याद होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी और इनटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट परसेंट दिए हैं उस वर्ष में जो एक्सपेंसेस आए होंगे कंपनी के, यहाँ पर सीपी से मतलब आपका एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो जो एक्सपेंसेस उस कंपनी के आए होंगे उस पर्टिकुलर ईयर में, उस पर डिपेंड कर रहे होंगे, ठीक। तो बाकी आपके सामने परसेंटेज है, 45%, 30%, 50%, 60%, 55%, 60%, 45%, 50%, 70% एंड ऑल, ऐसे करते हुए ये अलग अलग कंपनियों में प्रॉफिट परसेंट दिए गए हैं ए और बी के अलग अलग वर्षों में, 1, 2, 3, 4। तो आई थिंक डीआई आपके के लिए अब ऐसा कुछ समझाने के लिए नहीं बचा जो आपको समझना है, तो डीआई वाला पार्ट जो है वो आपका लगभग लगभग क्लियर हो गया। अब थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे चीजें समझ आएगी। पहला सवाल, 2005 में दो कंपनी ए और बी की आय, जो इनकम है, इनकम होती है हमेशा याद रखिए एक्सपेंसेस, उसमें जुड़ता है प्रॉफिट और फिर आती है इनकम, ठीक। तो जब एक्सपेंसेस में प्रॉफिट जुड़ जाता है तो इनकम आपके सामने आती है। अगर ये परसेंटेज में है तो एक्सपेंसेस में परसेंटेज अप्लाई होता है, जैसे मान लो अगर 10% कहीं दिया हो, तो अगर ये 10 यूनिट होगा तो आपका ये 11 यूनिट होगा, दैट इज द इनकम। बात आप समझ पा रहे हो? तो इनकम जो होती है वो एक्सपेंसेस के बाद, प्रॉफिट जुड़ने के बाद आपके सामने इनकम जनरेट होती है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर हम अपने क्वेश्चंस में आए तो ये बात हटा देते हैं और इस सवाल के लिए बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिंपली हमसे जो कहा गया उसके अकॉर्डिंग आपसे कहा गया कि यहां पर 2005 कंपनी ए कंपनी बी, तो कंपनी ए को अगर देखेंगे तो ए का प्रॉफिट परसेंट है 70%, दिख नहीं रहा हो देख लीजिए मैं जो लिख रहा हूँ, और कंपनी बी का 2005 में जो प्रॉफिट परसेंट है वो लिखा हुआ है 50%। तो कंपनी ए और कंपनी बी का जो प्रॉफिट परसेंट है वो रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है 50% 70%। यहाँ तक कॉन्टेस्टली बात की जाए तो आपसे कह रहा है कि उन कंपनियों में 2005 में व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर आप सिंपली देखें तो आपके जो इनकम है, एक्सपेंसेस है एग्जैक्टली, है ना, वो ए का 2005 हम ऊपर लिख लेते हैं, 2005 की बात करें, और एक्सपेंसेस ऑफ बी, ये जो आपके जो आय है, सॉरी आय जो है उसका अनुपात दे रखा है, जो आपका इनकम का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंसेस ऑफ ए और एक्सपेंसेस ऑफ बी हमें नहीं पता, वही हमें पता करने हैं। और हम बात कर रहे हैं 2005 के लिए। अब मेरी बात समझिएगा, अगर मैं एक्सपेंसेस ऑफ ए को 70% बढ़ा दूं तो इनकम आ जाएगी, तो दिस इज 170%, और अगर कर दिया है तो ये डिनोट करेगा इनकम ऑफ ए को इन द ईयर ऑफ 2005, एंड इसी तरह से 2005 में कंपनी बी के प्रॉफिट को, प्रॉफिट 50% है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इनकम को 50% बढ़ा दिया जाए तो आपके सामने इनकम आ जाएगी। तो 150% इज द इनकम, दैट्स इक्वल टू इनकम ऑफ बी, और इन दोनों को अपॉन कर दिया जाए, कि दोनों को अपॉन कर देंगे तो इनकम एक्सपेंसेस के रेशियो निकल आएंगे। ये जो डेटा है इनकम ऑफ ए इनकम बी, ये आपका 3:4 के अनुपात में दिया गया, तो रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस कर देंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज एलिमिनेट हो जाएगा, 0-0 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। तो आप जाएंगे तो आपके सामने आएगा एक्सपेंसेस ऑफ ए अपॉन एक्सपेंसेस ऑफ बी, दैट्स इक्वल टू 45/68, सही है। तो 45:68 आंसर नंबर डी, कोई खास शॉर्टकट नहीं, ना ही अप्रोक्सीमेशन की जरूरत, लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल तरीके से सॉल्व हो, ठीक। तो इसमें नोट करने वाला पार्ट आप आराम से नोट कर दे, ऐसा कुछ है भी नहीं, अगर समझ गए तो पर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, कह रहा है कि 2005 में कंपनी ए
2005 में दो कंपनियों की आय समान, इस बार इनकम को सेम कह दिया, जैसे पिछली बार इनकम को बोला 3:4, इस बार इनकम कह रहा है सेम सेम मतलब 1:1 के अनुपात में है। तो 2005 में कंपनी ए के व्यय और 2005 में कंपनी ए के व्यय तथा कंपनी बी के व्यय का अनुपात सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। 2005 की बात की जाए, एक्सपेंसेस ऑफ ए अपॉन एक्सपेंसेस ऑफ बी है ना, इनके एक्सपेंसेस को अगर ए वाले में 70% बढ़ा दिया मतलब 170% कर दिया जाए तो आपकी इनकम ऑफ ए आ जाएगी, और यहां पर अगर हम इसको 150% कर दें मतलब 50% बढ़ा दें या 150% कर दें, देखिए बात है तो 150% कर दें तो ये आपकी इनकम ऑफ बी आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, जब अपॉन करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो मतलब एक्सपेंसेस ऑफ ए अपॉन एक्सपेंसेस ऑफ बी दैट्स इक्वल टू 15:17, ये आपका सॉल्व क्या देगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसी से रेफरेंस में क्वेश्चन लिया है और बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन हो गया क्योंकि पिछला क्वेश्चन इसी बात पे डिपेंड था। नेक्स्ट डीआई पे आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि कंपनी ये 2002 में कंपनी बी का वे 200 करोड़ था तो 2002 में कंपनी की आय क्या थी। अब देखो इस बार व्यय आपको दे दिया है, 2002 में कंपनी का एक्सपेंसेस 200 करोड़ आपको दे दिया गया है, तो 2002 में कंपनी की आय पूछी गई, तो फॉर द ईयर 2002 अगर बात करें तो एक्सपेंसेस ऑफ बी से हमारे पास आएगी इनकम ऑफ बी। अब 2002 कंपनी बी 30%, अगर 30% प्रॉफिट है तो हम सिंपली कह पाएंगे कि अगर 10 होगा तो ये आपका 13 होगा, रेशियो का यूज कर पाएंगे। अगर यहां पर देखा है तो आपका कंपनी बी का जो व्यय है जो एक्सपेंसेस है वो आपका 200 करोड़ दिया गया है और ये हमसे पूछा गया है, दैट इज 260 करोड़ आपका आंसर, ये आपका पूछा गया 260 करोड़, दिस इज द आंसर। बहुत सरल क्वेश्चन बन गया उस हिसाब से अगर देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कंटिन्यू करते हैं। 2001 में कंपनी ए का व्यय समान था, ए और बी का व्यय समान था, एक्सपेंसेस सेम था, तो 2001 में ही दोनों कंपनियों की कुल आय दी गई है 342 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था ये आपसे पूछा गया, जबकि लाभ जो है वो आय और व्यय से आता है, दोनों कंपनियों को कुल प्रॉफिट पूछा गया, कुल आय दी गई। अब आपसे पूछा गया 2001 में कहा गया एक्सपेंसेस ऑफ ए एंड एक्सपेंसेस ऑफ बी दे आर बोथ इक्वल, वो दोनों ही आपस में समान है, जो एक्सपेंसेस ऑफ ए और एक्सपेंसेस ऑफ बी है वो दोनों आपस में कैसे हैं, समान है, इक्वल है। अगर दोनों ही आपस में समान है तो ऐसी कंडीशन में अगर हम रिलेट कराएं तो इस कंडीशन में भी सिंपली पाएंगे कि 2001 में इसका ए का प्रॉफिट 45% था और इसका प्रॉफिट 40% था, यहां पर आए तो इसका प्रॉफिट जो है वो आपका 45% है और इसका प्रॉफिट जो है वो आपका 40% है। जैसा डेटा अवेलेबल है उस अकॉर्डिंग काम करें, तो हमारे पास सिनेरियो है कि कंपनी ए के लिए अगर काम किया जाए और एक्सपेंसेस उनके सेम है, तो अगर आप एक काम करें सिंपली इसको 100 मान लें कि मतलब हम दोनों इक्वल हैं, तो इसको भी 100 मान लें और इसको भी 100 यूनिट मान लें, बहुत सरलता से बिना दिमाग लगाए। यहां पर जो आपका प्रॉफिट है वो आपका सिंपली दिखाई दे रहा है कि दिस इज द प्रॉफिट इज 45% और दियर प्रॉफिट इज 40%, तो अगर देखा है तो इसका प्रॉफिट होगा 40, उन दोनों कंपनी को लाभ, इसका प्रॉफिट होगा 45, इसका प्रॉफिट होगा 40, तो टोटल प्रॉफिट देखेंगे तो 85, और जबकि यहां पर देखेंगे तो 145 और यहां पर देखेंगे तो 140, तो टोटल उनकी इनकम हो जाएगी 285, समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा है तो 285 जो है वो आपका 342 करोड़ दिया गया और आपसे उनके प्रॉफिट जो आपकी 85 यूनिट ही आपसे पूछ लिया गया, मतलब मैं सिंपली कहूं तो 85 हमसे पूछा गया है, 285 हमें बताया गया है और इंटू 342 करोड़, सॉल्व करें तो आप सॉल्व किया आपने जो कि आया सॉल्व करने पर 102 करोड़। कैलकुलेशन का पार्ट आप खुद करें, सॉल्व मैं भी कर सकता हूं लेकिन आप जितना ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना बेटर है। सिंपली 5 से एलिमिनेट हो जाएगा, फ्री एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर 17 6 आएगा और ये आपका 17 17 into 6 और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कैलकुलेशन करते रहें साथ साथ, बेटर है, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नोट ना किया करें, सिर्फ मैच किया करें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़, 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ है,
2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी, 2006 में कंपनी की आय कितनी है? ठीक, तो 2003 में कंपनी का जो व्यय 200 करोड़ दिया गया, 2003 में कंपनी ए की आय, कंपनी 2003 में 2003 में कंपनी है, 2006 में उसका खर्च, तो 2006 में आय पूछी गई, तो इसका मतलब जब हम 2003 की आय निकालेंगे तो 2006 का खर्च आ जाएगा, 2006 का खर्च आएगा, 2006 का क्या जाएगा, इनकम आ जाएगी। ठीक, इतनी सी बात है। तो यहां पर व्यय दिया, व्यय से आय, आय से फिर से व्यय। तो अगर हम 2003 के लिए बात करें तो 2003 में कंपनी का स्थिति ये कि एक्सपेंसेस और इनकम, ठीक, 2003 में कंपनी ए, ए का 60% दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको 60% यहां पे। तो अगर आपको ये 60% दिख रहा है तो इस सिचुएशन में मैं यहां सिंपली कह सकता हूं कि आप देखें तो 60%, 60% का मतलब हुआ इसको अगर 5 माना जाए तो ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 60% प्रॉफिट। अब यहां पर अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो कंपनी का 2003 में, 2003 में कंपनी का व्यय दिया है, ये आपको दिया है 200 करोड़। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी, अब यहां पर 200 करोड़ आप पहुंचे तो यहां पर अगर देखा है तो ये आपकी इनकम आ जाएगी, 5 दिया गया तो कितना 320 crore, 20 करोड़ ये आपकी आ गई। अब उसने कहा कि जो इसकी इनकम है 2003 की इनकम है तो 2006 का एक्सपेंसेस और इनकम में मैं सोच रहा था, तो ये जो इनकम है ये इसका एक्सपेंसेस है, मतलब यहाँ का एक्सपेंसेस 320 करोड़ है, इनकम हमारी डिमांड है। तो अगर इस कंडीशन में देखा है 2006 कंपनी है 45%, मतलब अगर ये आपका 45% के अकॉर्डिंग देखा है तो 20 के अकॉर्डिंग जाएगा, ये 20 हो जाएगा तो ये आपका 29 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट जो है वो आपका 45% 1/20 होता है, 5% तो 45% हो जाएगा कितना 9/20, तो 20 से 29, या फिर आप 100 से कट करेंगे तो 5 से एलिमिनेट करके आ जाएगा। अगर ये आपको पता है तो ये आपसे पूछा गया है, तो बस फिर 29 पूछा गया है, 20 यूनिट हमें बताया गया इंटू 320, 464 करोड़ ये आपकी टोटल इनकम हो जाएगी कंपनी 2006 कंपनी ए। ठीक है, तो 464 करोड़ आंसर नंबर सी, खत्म हो गई बात, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब ये पिछली जो डीआई थी वो कंप्लीट हो गई, ये 15 तारीख का शिफ्ट 2 है, ठीक है, तो ये 15 तारीख की शिफ्ट 2 तक यहाँ कंप्लीट हो गया, उसके बाद 16 तारीख की शिफ्ट 1 की डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।